हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम कैसा होता है और उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिएगा, आपको बता रहा हूँ। हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट है एक छोटा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं और किसका काम क्या है, वो सारी चीज के बारे में आपको हम बताएंगे। देखिएगा ध्यान से, पहले हम लोग बात किए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आखिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कैसा है इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो जस्ट लाइक एक बॉडी आपको दिख रहा है, इस बॉडी को यूटेरस मान लेंगे, इसे हम लोग इस पूरे पार्ट को फैलोपियन ट्यूब मान लेंगे। जो फिंगर है इस फिंगर को फीमरी बोलेंगे, जो हथेली है इसे इनफंडिबुलम बोलेंगे। इनफंडिबुलम, उसके बाद थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होगा जिसे इनगुला बोलेंगे, और एक नैरो लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे इस्थमस बोलेंगे। इस्थमस यूटेरस में आकर कनेक्ट हो जाएगा और उस यूटेरस के तीन पार्ट होंगे, पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। वो तीनों पार्ट मिलेगा तो वो मिलकर यूटेरस बनाएगा, और यूटेरस के नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो यूटेरस का जो नैरो पार्ट होता है उसे सर्वाइक्स बोलते हैं। सर्वाइक्स के नीचे वेजाइना मिलेगा, और वेजाइना के जस्ट नीचे एक पार्शियली पतला सा एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग हाइमन बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, देखिएगा ध्यान से, इस पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होगा जिसे हम लोग एम्बुला बोलेंगे। ये जो फिंगर लाइक होगा इसे फिमरी बोलेंगे, जो थोड़ा सा पार्ट फूला हुआ रहेगा उसे एम्बुला बोलेंगे। देखिएगा ध्यान से, ये आपका यूटेरस का पार्ट है, ये आपका यूटेरस का पार्ट है। देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। यानी यहाँ एक नैरो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग इस्थमस बोलते हैं, और इस्थमस के बाद जो ये खुला हुआ पार्ट है ये हम लोग का एम्बुला कहलाता है, और एम्बुला के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है वो इनफंडिबुलम कहलाता है। इस्थमस, एम्बुला और इनफंडिबुलम ये तीनों मिल जाए तो आपको बनाएगा क्या, एक बनाएगा फैलोपियन ट्यूब। तीनों मिलकर बनाएगा क्या, फैलोपियन ट्यूब बनाएगा। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे फिमरी बोलते हैं, इसे हम लोग फिमरी बोलते हैं। अगर आगे की बात किया जाए तो जो फैलोपियन ट्यूब का जो नैरो भाग इस्थमस होगा वो इस्थमस यूटेरस में आकर कनेक्ट होगा, यानी यूटेरस के तीन पार्ट होंगे। जस्ट लाइक अ स्किन जो होगा इसे पेरिमेट्रियम बोलेंगे, जस्ट लाइक अ स्किन जो होगा उसे पेरिमेट्रियम, जो मसल्स वाला पार्ट होगा इसे हम लोग मायोमेट्रियम बोलेंगे। आगे अगर बात किया जाए मायोमेट्रियम से तो इसके अंदर में हम लोग आएंगे तो रेड इन कलर से जो इंडिकेट हो रहा होगा इसे हम लोग इंडोमेट्रियम बोलेंगे, इसे हम लोग पूरा को नाम देंगे इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम ध्यान देना दोस्त,
कहा पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये तीनों मिलेगा तो यूटेरस बनाएगा, जिसे हिंदी में गर्भाशय बोला जाता है। ये बनाया तीनों मिलकर यूटेरस। आगे हम लोग बात चले तो ये तीन पार्ट मिलकर यूटेरस बनाया, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम का जो ऊपर वाला भाग होता है इसे फंडस बोलते हैं, बीच वाला भाग को बॉडी बोलते हैं और इसके नीचे वाला भाग को सर्वाइक्स बोलते हैं। यानी यूटेरस के तीन पार्ट होते हैं, बॉडी, फंडस, ऊपर सॉरी ऊपर फंडस, बॉडी, नीचे सर्वाइक्स। और तीन पार्ट है क्या जिसे यूटेरस बना है, पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये तीनों मिलकर यूटेरस बनाया। तब इस सर्वाइक्स के नीचे आएंगे तो वेजाइना मिलेगा, सर्वाइक्स के जस्ट नीचे हम लोग आएंगे तो वेजाइना मिल जाएगा, जिसका इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। यानी ये वाला पार्ट को हम लोग वेजाइना बोलेंगे। और वेजाइना के जस्ट नीचे, वेजाइना के पास एक पार्शियल पतला सा मेम्ब्रेन होगा जिसे हम लोग नाम देंगे हाइमन, जिसे हम लोग नाम क्या देंगे हाइमन। और किसके जरिए ओपन होगा, जिस जगह से ओपन होगा उसका नाम है एक्सटर्नल जिनाइटल ऑर्गन, इसका नाम है एक्सटर्नल जिनाइटल ऑर्गन। पूरी बात को ध्यान से समझना दोस्त, जो एक हाथ आपको दिखाई दे रहा है, हाथ जो है वो पूरा फैलोपियन ट्यूब मान लो, जो फिंगर है इसे फिमरी बोलेंगे, फिमरी, जस्ट लाइक जो हथेली है इसका नाम इनफंडिबुलम है, जो फूला हुआ पार्ट आगे होगा वो एम्पुला कहलाएगा, एम्पुला के आगे नैरो स्ट्रक्चर इस थमस कहलाता है। यानी इस थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, ये तीनों मिलकर क्या बनाएगा, फैलोपियन ट्यूब बनाएगा। और फैलोपियन ट्यूब का इस थमस वाला पार्ट यूटेरस में आकर कनेक्ट हो जाएगा, जो यूटेरस के तीन पार्ट होते हैं, पेरिमेट्रियम जस्ट लाइक स्किन होगा, मायोमेट्रियम मसल की तरह होगा, और रेड इन कलर से जो आपके एनसीईआरटी बुक में डिनोट किया है उसे एंडोमेट्रियम बोलेंगे। और तीनों पार्ट एक साथ मिलेगा तो क्या कहलाएगा, यूटेरस कहलाएगा। ऐसे अगर बात किया जाए कि यूटेरस के कितने पार्ट होंगे तो तीन, जो ऊपर वाला भाग होगा वो फंडस कहलाएगा, जो बीच वाला भाग होगा वो बॉडी कहलाएगा, और यूटेरस का नैरो भाग जो होगा जिसे हम लोग सर्वाइक्स बोलेंगे। और सर्वाइक्स के जस्ट नीचे क्या होगा, वेजाइना होगा, वेजाइना के पास एक पार्शियली एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जिसे हाइमन बोलते हैं। हाइमन फर्स्ट कोटियस यानी फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो डिसअपीयर हो जाता है, खत्म हो जाता है, या तो हैवी एक्सरसाइज के दौरान खत्म हो जाएगा। और हाइमन के जस्ट नीचे जो होगा वो एक्सटर्नल जिनाइटल ऑर्गन होगा, लेकिन फीमेल में एक्सटर्नल जिनाइटल ऑर्गन दो पार्ट में ओपन होता है, एक का नाम वेजाइनल ओपनिंग होता है और एक का नाम यूरेथ्रल ओपनिंग होता है। अब लास्ट बात समझिएगा, एक फीमरी वाला पार्ट है और फीमरी जो होगा इसके पास ओवरी होगा, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास क्या होगा, ओवरी। ओवरी जब यूटेरस से अटैच होगा, ओवरी जब यूटेरस से अटैच होगा, इसका नाम क्या है छोटे, इसका नाम इधर लिख देता हूं, इसका नाम ओवरी है। और ओवरी जब यूटेरस से अटैच होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, इसे बोलते हैं हम लोग ओवेरियन लिगामेंट, इसे हम लोग नाम क्या देंगे, ओवेरियन लिगामेंट। पूरी बात को ध्यान से समझ लेंगे, जस्ट लाइक हाथ ऐसे करके हम फिंगर से आगे ठीक है, रटने की आपको कोई जरूरत नहीं है, है ना, फिंगर हो फिमरी बोलिए, हथेली हो इनफंडिबुलम बोलिए, जो फूला हुआ पार्ट है एम्पुला बोलिए, जो नैरो है जो बॉडी में कनेक्ट हो रहा है हम लोग के उसे इस थमस बोलेंगे। इस थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम मिलकर क्या बनाएगा, फैलोपियन ट्यूब बनाएगा। और फैलोपियन ट्यूब का इस थमस वाला पार्ट यूटेरस में आकर कनेक्ट हो जाएगा। यूटेरस के तीन पार्ट होते हैं, पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, तीनों मिलेगा यूटेरस बनाएगा। लेकिन ऐसे जनरली यूटेरस के तीन पार्ट होते हैं, जिसे पहला का नाम फंडस बोला जाता है,
दूसरा का नाम बॉडी बोलेंगे और तीसरा का नाम सर्वाइक्स बोलेंगे। सर्वाइक्स के जस्ट नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, वेजाइना। वेजाइना के जस्ट नीचे पार्शियली मेम्ब्रेन होगा जिसे हाइमन, और हाइमन किसने सब ओपन हो जाएगा, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में ओपन हो जाएगा। कहा फिब्री के दोनों तरफ ओवरी होता है, जो ओवरी यूटेरस से अटैच होता है जिसे नाम देंगे ओवेरियन लिगामेंट। यहाँ तक के बात को आप याद रखिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट डे, हम लोग बात करेंगे एक एक करके, डिटेल्स में बात करते हैं।